नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। निलंबित सांसद संजय शाह के पक्ष में जनकपुर में बृहत प्रदर्शन, सत्य तथ्य न्यायिक छानबीन के कैल गेल मांग। नेपालक लेल भारतीय राजदूत रे आ जनकपुर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलक अध्यक्ष बीच मधेशक विषय में भेंटवार्ता। प्रधानमंत्री केपी ओलीक राजीनामा मांग करैत नेपाली कांग्रेस द्वारा काठमांडू में प्रदर्शन शुरू। कालाबाजारी आ मधेश मुद्दा में सरकार नलायक साबित भ गेल कहित नया शक्ति नेपाल द्वारा धरना कार्यक्रम शुरू। आ नेपाल सद्भावना पार्टीक संघीय अधिवेशन जनकपुर में सम्पन्न, अनिल झा फेर से अध्यक्ष में चयन। निलंबित सांसद संजय शाह के नियोजित रूप में विभिन्न घटना में फंसाओल जा रहा कहित जनकपुर में बृहत प्रदर्शन कैल गेल। जनकपुर के रामानंद चौक में भेल बम कांड के मुख्य अभियुक्त के रूप में पूर्व पक्ष के लिए कारागार में रहल निलंबित सांसद शाह के 7 वर्ष पश्चात पुलिस अरुण सिंघानिया हत्या कांड में समेत मुख्य योजनाकार के रूप में सार्वजनिक कलाक बाद पुलिस के अनुसंधान पर शंका उपशंका मात्रे ने प्रदर्शन आपसे शुरू भगल। जनकपुर में मधेशवादी दल के पकड़ भक शाह एक प्रखर नेता के रूप में अगाड़ी बढ़ लगला के बाद ओकरा सखाब कर जनकपुर के कब्जा कर सेहो षड्यंत्र तहत किछ तत्व सब शाह के फंसाब लागल कहित सद्भावना पार्टी विरोध स्वरूप प्रदर्शन के नजर लग। गोपाल धर्मशाला से हजारों के संख्या में सहभागी सहित के जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जिला अदालत पहुँच कर नाराबाजी आ प्रदर्शन केने छल। जुलूस में हाथ जोड़ कर शाह के धर्मपत्नी आगू जुलूस के नेतृत्व केने छली। स्वयं न्याय नहीं पौली त कारागार भित्रे आत्महत्या समेत के चेतावनी सांसद शाह देने आनसन जारी रखने सद्भावना पार्टी जनौने। जुलूस में सद्भावना केन्द्रीय सदस्य लाल किशोर शाह, धनुषा अध्यक्ष संजय सिंह, जनकपुरक युवा व्यापारी सहित के सहभागिता छल। एम्हर निलंबित सभासद संजय कुमार शाह के संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी ठहर करैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा रविदिन बेरिया में शाह सहित 12 गोटे विरुद्ध जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दायर कलक। प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशी के अनुसार आरोप पत्र में निलंबित सभासद शाह, चंद्रदीप यादव, एकलाल सहनी, ओम प्रकाश यादव, मुकेश चौधरी, रामकरण अंशी रायन, राम विनोद यादव, दीपेंद्र कुशियत यादव, पवन लामा, मनक लामा तथा हुलिया खुजल मुदा नाम वतन खुजल नहीं सकल 1 गोटे के और आरोपी ठहर कैल गेल। आरोपी सब मध्य शाह, चंद्रदीप, ओम प्रकाश, मुकेश, रामकरण, एकलाल तथा अंशी प्रहरी नियंत्रण में स्थित राम विनोद, दीपेंद्र, पवन, मनक संगे नाम वतन नहीं खुलल 1 गोटे का 5 गोटे एखनो फरार सूची में। चैत 16 गते अबेर रात में जनकपुर एक वकील टोल से चंद्रदीप यादव पकड़ाव पड़ला के बाद सिंघानिया हत्याकांड पुनः जनकपुर में चर्चा के विषय बनल। नेपालक लेल भारतीय राजदूत रंजीत रे तथा जनकपुर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलक अध्यक्ष बीच भेंटवार्ता भेल। जनकपुर में शनि दिन रात में करीब 1 घंटा धरि चलल भेंटवार्ता में कांग्रेस एमाले लगायत के दल के अध्यक्ष सब समेत मधेश के मांग पूरा नहीं भेल स्वीकार करैत समस्या समाधान के सूत्र निकाल राजदूत रे के सुझाव देलने। नेपाली कांग्रेस के धनुषा सभापति राम सरोज यादव मधेशवादी दल आ नेपाली कांग्रेस अलग अलग पार्टी भेल रहितो स्वयं मधेशी भेल हैसियत से सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी लगायत के मुद्दा के व्यवस्थापन संबंध में नया संविधान के ने व्यवस्था प्रति असंतुष्टि जनौलन। एमाले के अध्यक्ष राजकिशोर यादव सेहो मधेश के मुद्दा संबोधन नहीं हैब में एमाले मात्रे दोषी नहीं रहल दावी करैत कांग्रेस एमाले एकीकृत माओवादी सेहो ओतबे दोषी रहल बतौलन। नया शक्ति अभियान के अंतरिम परिषद सदस्य रामचंद्र झा मधेश के मांग पूरा कराब मधेशी स्वयं सामर्थ्य रहल कहित मुद्दा में केउ कोनो पार्टी में छी त एकजुट भ कऽ आब परबाक आवै के लेल ओ आह्वान सेहो समेत कलन। तमलोपाक डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सद्भावनाक संजय सिंह भारतीय भूमिका के प्रशंसा कयने छलाह। जनता यदि नहीं उठा तो यहाँ कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ। 7 साल से अभी तक जब जब मधेश का जनता उठा है, सड़क पर उतरा है, यही वीरगंज से लेकर विराट नगर गर्म होने के बाद यहाँ का हर एक सप्ताह परिवर्तन हुआ है और फिर भी होगा।
फिर भी होगा, ये लोग घुटना टेकेंगे, हम लोग केवल दर्शक मुक्त दर्शक होके देख रहे हैं। राजकिशोर यादव जी को कम से कम आज उन्होंने जो महसूस किया उसी के तरह नहीं किया। हम लोग दोषी हैं, हम मात्र दोषी नहीं है, नेपाली कांग्रेस और माओवादी उतना ही दोषी है। कम से कम महसूस किया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी हमने नेपाली कांग्रेस के सभापति जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जब भी उनसे बात हुई मधेश के बारे में, कभी उन्होंने निगेटिव नहीं कहा। हमारे घर भी आदत हुई है, एक घंटा धरि नेता सबके धारणा सुनने राजदूत रे औपचारिक प्रतिक्रिया दे रहे तो आंदोलन राजनीतिक मुद्दा संबंध में कोनो किस्म के टिप्पणी नहीं कलन। भारत असल पड़ोसी रहल आ स्वार्थ विहीन अपन प्रतिक्रिया आ दबाव दैत आयल हुनक कहब छलन। नेपालक संचार माध्यम सब के नियमनकारी निकाय प्रेस काउंसिल के भूमिका जनकपुर के संचारकर्मी सब आलोचना कलन। मधेश आंदोलन के क्रम में प्रेस काउंसिल मधेशक संचार माध्यम सब ऊपर अंकुश लगेबाक नियत से स्पष्टीकरण कटने जिज्ञासा रखत संचारकर्मी सब संचार माध्यम के निष्पक्ष आ स्वतंत्रता के पाठ सिखाब वाला प्रेस काउंसिल अपने स्वतंत्र आ निष्पक्ष होब परबाक सुझाव दलन। विज्ञापन अभाव में संचार माध्यम सब सुखत जा रहा जनाव दैत संचार गृह के संचालक सब समानुपातिक विज्ञापन पद्धति कार्यान्वयन कराब काउंसिल आ सूचना विभाग के सुझाव दिलक। पत्र पत्रिका के वर्गीकरण निष्पक्ष रूप में करा पड़वाक आवश्यकता के मांग करित संचारकर्मी सब पत्रकार आचार संहिता परिमार्जन व पुनरावलोकन कर आगू जिला जिला में छलफल के लिए खुला बहस होब पड़वाक धारणा रखलन। फोटो पहन के इसमें साभार पर न लिखने ना अब नाम की न छोड़े को वाला मैं था भाई ना तू जस्ता को जस्ते प्रकाशित करने अब फोन करें आग्रह करता अपनी भाई कम से कम लीड तो चेंज कर फोटो पनि राखिदिने यस्तो यो दुखबाट कहिले काहीँ त कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भन्दा पनि यसमा पनि आउन बेर छैन त्यो हुन्छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने होला यो ठुलो समस्या भएको छ। पत्रकार महासङ्घसित समन्वयमा प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचार संहिता ल्याउन लागेको छ र त्यस सम्बन्धमा बडो दुःखका साथ मैले भन्नु परेको छ। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँमा बसेर मात्र होइन आचार संहिता बनाउनु पर्ने होइन कि म फसलमा आएर आचार संहिताको प्रावधानहरू के समेट्नु भएको छ हुनसक्छ जुन कि यहाँका लागि यहाँ भनौँ यहाँबाट यहाँका लागि त्यो केही त्यस्ता प्रावधानहरू नसमेटियोस् त्यसका लागि म स्ट्रङली के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहीँनिर आएर पनि त्यस सम्बन्धमा आचार संहिता सम्बन्धमा खुला बस र छलफल चलाइनुपर्छ। मधेस आन्दोलनको क्रममा यहाँको जनताहरूलाई छोडौँ या पार्टी मधेसमा लागेको पार्टीहरूलाई छोडौँ तर त्यस बेलामा यहाँको मिडियाहरू मधेसका मिडियाहरू त्यस बेलामा फ्री छन् त्यसैको मात्र के अरे समस्या समाधान गर्ने आंशिक समस्या समाधान गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ यो काउन्सिल यहाँ आएको बुझ्न आएको र समस्या समाधान गर्न आएको त्यसको एउटा बाटो हुनेछ र सक्सेस हुनेछ भन्दै म स्थानीय स्तर क्षेत्रीय स्तर र नेसनल स्तर यो छुट्याउनु पर्छ। यो वर्गीकरण को जुन शैली छ त्यो वर्गीकरणको शैलीमा परिवर्तन यदि गरिएन भने मलाई लाग्छ यो तह जुन हामी तिन साइडमा डिभाइड गरेको छौँ त्यो काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसतर्फ चाहिँ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आउँछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्रकी अध्यक्षतामा भेल स्थानीय सञ्चार माध्यम सबके सम्वर्धन समस्या आ समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममे प्रेस काउन्सिलके सदस्य सब नवल किशोर शरण आ मुरली यादव काउन्सिल उपर दोष लगाब सनिक अपन काम कर्तव्य अधिकारके विषयमे सोच प्रभाग बताउने छल। काउन्सिलके सदस्य सुदर्शन आचार्य अन्तर्क्रिया कार्यक्रमसँग आयल सुझाव सबके कार्यान्वयनके लेल हर सम्भव प्रयास करब बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जाबत नै चाहते ताबत ई आचार संहिता जे छै से जारी नै भऽ सकै छै। ताहि दुआरे प्रेस काउन्सिलसँ नम्हर बेसी दायित्व बनै छै नेपाल पत्रकार महासङ्घले। हामीले मधेसका पत्रिका काठमाडौँ आएर मधेसका पत्रिकाले के कुरा उठायो र कहाँनिर त्रुटि भयो र त्यो त्रुटि भएको विषयलाई हामीले के भनेर पत्र लेख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो तयारी होमवर्क त्यो पत्रिका ल्याउने कलेक्सन गर्ने गर्नै पर्दैन। म तपाईँहरूलाई नै भन्छु मधेसको एउटा पत्रिकाले अलिकति पनि तलमाथि गरेर लेख्यो भने यस्तो यस्तो लेखेको छ यसमा तत्कालै चिठी काट्दैछ काट्दैनस् भनेर मधेसबाटै उजुरी जान्छ। जे सरकार जे बात किस कर रहल रहे
वो सेना रहे प्रहरी रहे बहुत किछ रहे सरकार के साथ में जेकर प्रयोग नहीं हेबक चाहे चले से कैल गेले सरकार के चलावक ले। लेकिन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष के कोनो बाध्यता नहीं रहे जे ओकर समर्थन में कोई तरह के वक्तव्य देव जे हमरा बहुत घातक लागल और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के वो हनन रहे। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली प्रेस काउंसिल के स्थापना आ उद्देश्य के विषय में प्रकाश पारने छल। ओसब मधेश के संचार माध्यम में आयल पाठ्य सामग्री संबंध में स्वयं सब अनभिज्ञ रहल रही तो मधेश के किछ व्यक्ति सब फलना पत्रिका एहन समाचार लिखने कह के कार्यवाही के मांग करित आयल यथार्थ जानकारी सेहो प्रेस काउंसिल के सदस्य सब करौने छला। तीन दिन से जनकपुर में जारी नेपाल सद्भावना पार्टी के संघीय अधिवेशन 52 सदस्य कार्य समिति गठन करित जनकपुर में सम्पन्न भेल अछि। पार्टी सर्वसम्मत पुनः अध्यक्ष में अनिल झा के चयन कलक अछि। पार्टी अध्यक्ष में एक गोटे मात्र के उम्मीदवारी पड़ला से झा सर्वसम्मत भेल बताओल गेल अछि। तहिना कार्य समिति में 4 गोटे उपाध्यक्ष 7 गोटे महासचिव 1 गोटे कोषाध्यक्ष आ 1 गोटे सहकोषाध्यक्ष सहित 52 सदस्य कार्य समिति तत्काल चयन कयल गेल अछि। विधान अनुसार 61 सदस्य कार्य समिति चयन होब पड़बाक में बाकी रहल 9 गोटे सदस्य बाद में थप कयल जेबाक महासचिव मध्य के 1 गोटे राजीव झा बतौलन। ओ नेपाल आ संघीय सद्भावना पार्टी एकीकरण के बेर में दोनों पार्टी के महासचिव आ उपाध्यक्ष सब वही पद में राखल गेला से उपाध्यक्ष आ महासचिव के संख्या बेसी भेल बतौलन अछि। समापन के क्रम में पार्टी कहने पत्रकार सम्मेलन में बजत अध्यक्ष अनिल झा मधेश में आब हिंदी आ मैथिली भाषा सूचना के बोर्ड सब मात्र लटकाव पड़बाक बतौने छला। यद्यपि वही के लिए अन्य मधेशवादी दल सब संगे सेहो सहमति कर पड़बाक भेला से जल्दी पार्टी पहल करत हुनक कहब छलन। आब होबय वाला मधेश आंदोलन अधिकार प्राप्त कैये के विश्राम लेत अध्यक्ष झा बतौने छला। जनकपुरक विश्वकर्मा चौक के स्थानीयवासी सड़क जाम का विरोध प्रदर्शन कलक अछि। परिक्रमा रोड अंतर्गत विद्यापति चौक बमलपुरा चौक के बीच में पड़े वाला विश्वकर्मा चौक पर स्थानीय वासी तथा व्यवसायी लोकन सड़क अवरुद्ध का विरोध प्रदर्शन कलक अछि। गर्दा आ धुआं से विश्वकर्मा चौक में मात्र नहीं संपूर्ण जनकपुर वासिक जनजीवन कष्टकर भ रहल समय में विश्वकर्मा चौक के स्थानीय व्यापारी युवा सभक अगुवाई में सड़क अवरुद्ध का प्रदर्शन कयल गेल अछि। जनकपुरक जटही सड़क खंड निर्माण भ रहल समय में दैनिक रूप में दर्जन से बेसी टिपर के आवागमन विद्यालय के बस सार्वजनिक यातायात तीव्र गति में चलाओल गेला से धुआं आ गर्दा से जनजीवन प्रभावित भेल कहित सर्वसाधारण सड़क पर उतर के जाम कलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांग करैत प्रदर्शन कलक अछि। कांग्रेस सरकार गठन भेल 6 महीना पश्चात अपन प्रमुख भातृ संगठन सबके सड़क में उतारि के प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा मांग कलक अछि। नेपाल तरुण दल नेपाल महिला संघ आ नेपाल विद्यार्थी संघ रवि दिन काठमांडू के शांति वाटिका में प्रदर्शन के सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। भूकंप प्रभावित सबके राहत देब नहीं सकल तथा कालाबाजारी आ भ्रष्टाचारी के प्रोत्साहन द रहल कहित कांग्रेस के भातृ संगठन सब प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध नाराबाजी करित राजीनामा मांग कलक अछि। नेपाल तरुण दल के अध्यक्ष उदय शमशेर राणा जनताक जीविका सहज पारक लेल सरकार एकटा सेहो प्रभावकारी काम कर नहीं सक रहल कहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आप सिंह दरबार में बैसक के अधिकार नहीं रहल बतौलन। ओ भूकंप प्रभावित सबके राहत पावन नहीं सक रहल तथा उपभोक्ता सब खाना बनाबे वाला गैस सेहो पावन नहीं सक रहल स्थिति के आप स्वयं सब सह के बैसक के पक्ष में नहीं रहल बतौलन। भातृ संस्था सबके सड़क में उतारि कर प्रदर्शन कर लगौने दिन कांग्रेस आर्थिक वर्ष के अंतिम में आबिक मनोमानी तबर में रकमांतर कर नेकपा मालिक सांसद मार्फत जताभावी रूप में बजट खर्च कर लागल कहित रकमांतर रोक तथा आर्थिक अनुशासन कायम कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। नया शक्ति नेपाल सेहो धरना में बैसक काज शुरू कलक। सरकार विरुद्ध भूकंप प्रभावित सबके घर बनाबक लेल अनुदान रकम देब देरी कने कालाबाजारी नियंत्रण नहीं कने तथा मधेश समस्या समाधान के लिए चुप बैसल कहित नया शक्ति रविदिन काठमांडू के भद्रकाली में धरना दिलक अछि।
संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्व में नया शक्तिक नेता तथा कार्यकर्ता लोकन भद्रकाली में दू घंटा धर धरना में बैसल छल। नाकाबंदी हट गेल दू महीना बीत चुकल रहितो उपभोक्ता सब खाना बनाबे वाला LPG गैस सहज रूप में पाव नहीं सकल, मुदा अई विषय में सरकार मुखदर्शक जका देख रहल कारण दबाव सृजना कर धरना में बैसल। संयोजक डाक्टर भट्टराई जानकारी दिलने छ। नाकाबन्दी अन्त्य भएको तैपनि अभाव महँगी र कालोबजारी जस्ताको तस्तै छ, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ र भ्रष्टाचार मौलाएको मौलाइ छ, कमिसनखोरी बढेको बढै छ, सरकारले यसमा कुनै पनि सकारात्मक कदम चालेको छैन। अर्कोपट्टि मधेस थारुवट प्रदेश जनजाति बाहुल्य प्रदेशहरूमा जुन जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई लिएर जुन आन्दोलन भए त्यसको अहिलेसम्म राम्ररी सम्बोधन भएको छैन। त्यसैले हामीले यी विषयमा भूकम्प पीडितका समस्याका विषय, कालाबजारीका विषय, भ्रष्टाचारका विषय र मधेस लगायतका राष्ट्रिय आन्दोलनका विषय, यो विषयमा जनदबाव सृजना गर्न हामीले आजको यो धरना कार्यक्रम आयोजन गरेका हौँ। नयाँ शक्ति वर्षा के समय नजदिक आइब रहल कारण भूकम्प प्रभावित सबके राहत रकम दियाबके मामिलामे सरकार गम्भीर होबके आग्रह कयलक अछि। ओ मधेश में देखल गेल समस्या के मधेश के मात्र नहीं भ राष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्या के रूप में लक समाधानक लेल तत्काल वार्ता संवाद कर दिस हो सरकार के आग्रह कलक। सभामुख ओनसरी घरती के अनुपस्थिति के कारण संवैधानिक परिषद के बैसार फिर से अनिर्णित भेल। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में रवि दिन भोर बैसल परिषद के बैसार सभामुख घरती अस्वस्थता के कारण जनाक अनुपस्थित भेलाक बाद अनिर्णित भेल बताओल गेल। सभामुख घरती के पेटझरी के समस्या भेल बताओल जा रहा है। परिषद के बैसार लगातार अनिर्णित भेल इत्ते सर्वे रहे। दू दिन पहिने बैसल बैसारक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के संसदीय दलक नेता शेरबहादुर देवा कार्य व्यस्तता के कारण देखा का तथा तीन सप्ताह पहले बैसल बैसार सभामुख घरती जामिबिया प्रस्थान के लाके कारण अनिर्णित बनल छल। परिषद में प्रधानमंत्री सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता सहित छ गोटे रह के व्यवस्था है। प्रधान न्यायाधीश के नाम सिफारिश के लिए परिषद के बैसार बजाओल गेल छल। कानून मंत्री अग्नि खरेल सभामुख घरती के अनुपस्थिति के कारण बैसार से निर्णय नहीं कला के कारण फिर से दोसर बैसार बजाओल जेबाक बतौलन। एक बेरक असफलता के बाद दोसर बेर में जेहन जेहन तेहन संविधान घोषणा केने पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेक संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेम्बांग चुनाव में हारल दल सब विरोध करते आ अलोकतांत्रिक संविधान कहते कार्यान्वयन में अबेर कर नहीं हैत कटाक्ष के लेने छे। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौ संविधान सभाक पूर्व अध्यक्ष नेम्बांग के कटाक्ष संबंध में अपने सबके कहबा की अछि। अहाँ के बात की कह रहल छी से नहि बुझल छी। ठीक छै, जे जीत गेलै सत्तामे गेलै ओहिसँ जनताके बेनिफिट की? पहाड़ मधेश लड़ाई, ठीक छै, बेनिफिट उपलब्धि छी। दुईटाके लड़ाके अहाँ एकटा अपन रिजल्ट निकालि रहल छी, बाँकी तऽ मानि कऽ चलू जनताके आधारपर किछो नहि बेनिफिट भऽ रहल छै। बेनिफिट तऽ ओतय देखऽ पड़लै ने। मधेसी पट्टी जे कोनो किस्मके बात होइ छै तऽ सबसँ पहिले मधेसीके मतलब हक ही चाहे ओहि ढङ्गके जे कोनो बात हेतै तऽ केना ओकर विरोधवला भाष हेतै, सबसँ बड़का बात ओकरा सबके दिमागमे उठि रहै छै। ताहि लऽ कऽ सुभाष नेवांगवला भाषाके हमसब ओतेक ध्यान नहि दै छी। एकरा कहल रहती एकटा नेताके कहि देती जे कि नहि अलोकतान्त्रिक नहि भेलै संविधान, एकदम लोकतान्त्रिक छै से कहलासँ हेतै। आ ओहिठाम काठमाण्डूमे बैस कऽ हेतै जे तऽ आबि कऽ घर घर पहुँचू ने। ओ माने कि पूरे नेता जे हइ से मधेश विरोधी हइ, तो वो मधेसी के अधिकार दिए नहीं चाह रहा है। कौन कोनो भी हाल बार बार अहाँ ओकर पत्र पत्रिका में देखते रहिए, वो अधिकार दिए चाह नहीं रहा है, घुरिया रहा है, देख रहा है, थका रहा है। सब पार्टी कहे छे कि अधिकार नहीं मिलल, हम तो कहे छे कथी कथी अधिकार मिलल है, कथी कथी अधिकार नहीं मिलल है, पॉइंट वाइज कर चाहिए। प्रचंडो कहे छे कि मधेसी के अधिकार नहीं मिलल है, एमआलओ के आदमी सबके जी नहीं मिलल है, औरो पार्टी सबके नहीं मिलल है। हम कहे छी मिलल है कथी कथी मिलल है, नहीं मिलल है कथी कथी नहीं मिलल, ई प्रश्न कर चाहिए जनता के। वास्तव में अपना हक लड़े छे तो कहे छे इंडियन ई एकदम सरासर झूठ छे, आई में कोनो सत्यता नहीं छे। ऊ सब अपना सत्ता टिकाबे के लेल सत्ता के बदल सत्ता टिकैत रहै
ताहि पर ई सब विशेष जोर देने छै आओर ओहिके अलावा कुछ नहि छै। देश मे मधेसी नेपाली नहिए हेतै के ताहि बराबर ई सब सोचि रहल छै। पैघ अपनाके नेता बुझै छथिन, कोइ जे छै हमरा से ज्यादा संविधान कोइ जानऽ वाला नहि है, तऽ ओ अपना मियाँ मिठू बनि रहल छै, तऽ हुनका हम अहाँ की कहबनि? बुझऽ वाला तऽ देखिए रहल छी जे संविधानमे की छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दू पड़ोसी भारत आ चीन के अपन भ्रमण से देश में औद्योगिकीकरण के आधार खार भेल दावे कलने से। प्रधानमंत्री ओली रवि दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 50वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करैत दू पड़ोसी देश के भ्रमण पश्चात नेपाल में औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण आ व्यापारीकरण के लिए आधार खार भेल बतौलने से। ओ संविधान जारी संगे अधिकार प्राप्ति के लिए आब केकरो आंदोलन करा पड़वाक अवस्था नहीं रहल कहित भारत आ चीन के भ्रमण के क्रम में स्वयं ओतक के व्यवसायी के नेपाल लगानी के लिए सब किसिम से सुरक्षित भेल संदेश देव सफल भेल समेत बतौलन। व्यापारीकरण व्यवसायीकरण जस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउने प्रसंगमा हामीले केही कामहरू गरेका छौं, केही आधार। प्रधानमंत्री ओली देश के आर्थिक विकासक लेल कृषि के आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण अनिवार्य रहल कहित कृषि में लगानी बढ़ावा व्यवसायी सब संग आग्रह कलने छे। ओ दू पड़ोसी भारत आ चीन के उपभोग्य सामर्थ्य बहुते बढ़ला के कारण ओ दुनू देश नेपाल के लेल निक बाजार भेल कहित लगानी बढ़ाकर निर्यात कर सकल गेल तक कृषि उपज उत्पादन कर व्यवसायी सब संग आग्रह कलने छ। मुख मिठाउँदै सुन्छौ, हाम्रा छिमेकीहरू सबभन्दा ठूला निर्यातकर्ता हुन्, हाम्रा छिमेकीहरू सबभन्दा ठूला आयातकर्ता पनि हुन्, किनभने उनीहरूको उपभोग्य सामर्थ्य वृद्धि भएको छ। उपभोग्य सामर्थ्यले उनीहरूलाई आयातका निम्ति सामर्थ्य, उपभोग गर्ने सामर्थ्य, क्रय सामर्थ्य सबै उनीहरूसँग छ, त्यस कारण उनीहरू त्यो गर्न सक्छन्, हामी त्यतापट्टि जान सक्दछौँ। नेपालमा एखन प्रत्येक वर्ष 1 खर्ब रुपियाँसँग बेसी मूल्यका कृषि सामग्री आयात होइत आएल छ। प्रधानमन्त्री ओली पुरान कानून परिमार्जन क के उद्योगी व्यवसायी सब भोग परल समस्या समाधानके लेल सरकार तैयार रहल बतौलनि। ओहिसँ आगू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा उद्योग व्यवसाय संघ संबंधित दू दर्जन कानून संशोधन के लिए महासंघ वर्षों से आवाज उठा रहल रहितो सरकार उपेक्षा के उपराग सुनौने चली। सम्बन्धित उद्योग व्यवसायका लागि अति आवश्यक औद्योगिक ऐन, श्रम ऐन, सेज ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत ऐन, प्रतिस्पर्धा कानुन लगायत करिब 2 दर्जन ऐन कानुन छिटो पारित गरिदिन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छौँ। हामीले बारम्बार कराउँदै आएका छौँ, तर पनि हाम्रो आवाजलाई सुनवाई भएको छैन। हामीले केही त मागेका छैनौँ। उद्योग व्यवसायले खालि गरेर खाने दिने वातावरण मागेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा महासङ्घक सदस्य सङ्घ तथा भूकम्पके बेरमे महासङ्घ सञ्चालन कयने राहत क्याम्पमे सहयोग करयवला स्वयंसेवक सबके सम्मान कयल गेल छल। महासङ्घके 50वां वार्षिक साधारण सभा 2 दिन धरि काठमाडौँमे चलत। सरकार देशके मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार लगपासके क्षेत्रमे धरना आ जुलुस तहिना नाराबाजी कर रोक लगाउने अछि, मुदा सरकारी कर्मचारी सब सिंहदरबार भित्रे नाराबाजीमे उतरल अछि। आगामी वैशाख 10 गते के लिए तय कयल गेल आधिकारिक ट्रेड यूनियन के निर्वाचन के विषय के लक असंतुष्ट कर्मचारी सब रवि दिन सामान्य प्रशासन मंत्रालय के परिसर में धरना आ नाराबाजी कलक। गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालने एकीकृत नेकपा माओवादी संबद्ध नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के अगुवाई में धरना आ नाराबाजी भेल। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गीता प्रसाद तिमिल सिन्हा कानून विपरीत स्वयं सब संगे कोनो सल्लाह नै क कांग्रेस आ एमाले सम्बद्ध कर्मचारी सब संग मात्रे परामर्श क निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढ़ौल गेलाके कारण
विरोध में धरना में बैसा पड़ल आंदोलनकारी कर्मचारी सब बतौलक कार्यक्रमहरु प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई तोडिएको छ यो प्रति चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण चाहिँ तपाईको चारैवटा संगठनको भइसकेपछि हामीले यो किन तोडियो तपाईले हामीलाई चाहिँ कम्ती गरी बोलाएर छलफल गरेर हामी चुनावको पक्षमा छ चुनाव गराउने स्टेक होल्डर हामी हो भनेपछि हामीलाई किन बायस गरेर चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्नु भयो त किन उहाँले चाहिँ कार्यक्रमहरु पनि चाहिँ तपाईको हामी चारवटा संगठनको हुलाग मार्फत पठाउनु भएको छ र हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म उहाँले कार्यक्रम पठाउनु चाहिँ हल्ला सुनिएको छ बाहिर के भएको छ भनेपछि चाहिँ तपाईको मिडिया मार्फत अर्थात चाहिँ पत्र पत्रिका मार्फत कार्यक्रमहरू भोलि नोमिनेसन हुने भनिएको छ त्यो स्टेक होल्डर जो सरकारवालाहरू हामी हो हामीलाई थाहै नभइकन उहाँ कसको चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको उहाँलाई क्वेसन हो एउटा धरना नाराबाजीकै क्रममै कर्मचारी सब प्रमुख निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयकै खिड्कीकै सिजा फोड़ देने छल ओके प्रत्युत्तरमै पुलिस दस गोटे कर्मचारीकै पक्राउ कने छल त फोटो खिच्ने न्यूमे पत्रकार कबीन अधिकारी उपर मारपीट सेहो कने छल आंदोलनकारी कर्मचारी सब अपन माँ के विषय में निर्वाचन कार्यालय में जाए खोजला पर पुलिस हस्तक्षेप के कहित घटनाक छानबीन के माँ के लगे खोजिए दुई चारजना नेता साथी आठ नौजना चाहिँ हरेक संगठनको दुईजना साथीहरू छिर्न खोज्यो तर त्यसमाथि चाहिँ धरपकड गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि तपाईँहरूले यो गर्ने होइन हामी छलफल बहसको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै यहाँ लाठी चुलिस भाला चुली पुलिसको जस्तो लट्ठी सट्टी ल्याएर हामी आएको छैनौँ हामी त यस्तै आएछौँ नि त यो अवस्थामा सिभिलियनमाथिको चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भनेको यो प्रहरी हस्तक्षेप चाहिँ भएको छ कहाँबाट भएको यसको छानबिन एम्हर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै भेल निजामती कर्मचारी सबके विरोध प्रदर्शनकै क्रममै फोटो पत्रकार उपर पुलिस केने आक्रमण के पत्रकार महासंघ आ फोटो पत्रकार क्लब भत्सना कलक आई भोर में 11 बजे से भेल विरोध प्रदर्शन के फोटो खींच रहा बेर में ऑनलाइन खबर के फोटो पत्रकार कबीन अधिकारी के पुलिस घेर क कैला फोटो खींचले कही क मारपीट केने पत्रकार महासंघ के विज्ञप्ति में जनाओल गया महासंघ के महासचिव उजीर मगर जारी केने विज्ञप्ति में घटना के प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उपर के हमला कहित दोषी पुलिस उपर कार्यवाही के मांग कल गया फोटो पत्रकार क्लब के महासचिव विकास कार्की सेहो विज्ञप्ति जारी करित परिचय पत्र आ कैमरा देखबैत काल सेहो पुलिस केने दमन के लुकाव के लेल वर्दीधारी सब गुंडागर्दी शैली में अपन स्वरूप देखेलक विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल छ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव पूर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल के तत्कालीन पुष्पकमल दहाल के सरकार के बर्खास्त नहीं करबाक निर्णय के बर्खास्त करबाक निर्णय के स्वयं साथ नहीं दक सेना के संगठन ध्वस्त होब से बचौने दावी कलने हम राष्ट्र अध्यक्ष नहीं भेल रहती तो सेना के संगठन ध्वस्त भ गेल रहती रवि दिन काठमांडू के रेडिसन होटल में आयोजित पूर्व प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुंग के आत्मकथा जनताक छोरो लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रपति यादव कहलन वही बेर में हम काम कर हमरा बहुत दिक्कत भेल अपन धारणा व्यक्त करते कहलन वही बेर में 10 वर्ष हथियार बोकने माओवादी के लोकतांत्रिक बाट में लाब के कोशिश हम केने छली वही बेर में दूटा सेना छल तेकरा बाद विद्रोह करित आयल पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल आ रक्षा मंत्री रामबहादुर थापा छल हम वही बेर में सही निर्णय लेने छली आ नेपाली सेना के संगठन बचाव में हम सफल भेली हुना कहब छलन तमलोपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर अधिकार के आंदोलन के बदनाम कराब एक दिश विखंडनकारी के आरोप लगाब के काज भ रहा बतौलने ओ स्वयं सब नेपाल के सीमा क्षेत्र भीतर रह के समाधान खोज रहा बतौलन हम सब नेपाली सीमा भित्रे समाधान खोज रहा छी ओ कहलन मधेसी जनता समाधान के उपाय सबसे हो देखा देने उहे अछि सार्थक संघ्यता हुनक कहब छलन तमलोपा रवि दिन राजधानी में आयोजना केने संचारकर्मी सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में वो सत्ता में बैसल एक दिश मधेस आंदोलन के विखंडनकारी कह रहा अछि त दोसर दिश जल्दीए उपेक्षा कर खोजने अछि आई दुनू बात गलत अछि हुनक कहब छलन मधेस के सवाल में ओ सब कहने जका विखंडन वा जल्दी उपेक्षा कर के विषय किछु नहि रहल हुनक कहब छलन
पुलिस आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना लागू करत निर्णय कैलकैसे। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रवि दिन पत्रकार सम्मेलनका 2073 सालके दुर्घटना शून्य बनाबके लेल विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना लागू कर लागल जानकारी दिलकैसे। महाशाखाके प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश आर्याल 2071 सालसँ 2072 सालमे सवारी दुर्घटना बेसी भेलाके कारण विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना लागू कर लागल कहैत ओहि योजना अन्तर्गत सवारी साधनके जाँचमे कडाई कयल जेबाक सेहो जनाओल गेल अछि। निर्वाचन आयोग आब आइन्दा राजनीतिक दल सबके हरेक समितिमे महिलाके एक तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होबय पड़बाक व्यवस्था करय लागल अछि। आयोग राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमे सब राजनीतिक दल ओकर हरेक समितिमे अनिवार्य रूपमे एक तिहाई महिला राखय पड़बाक व्यवस्था करय लागल अछि। आयोगके कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव, आयुक्त इला शर्मा रविदिन, व्यवस्थापिका संसदके राज्य व्यवस्था समितिके विचारमे पहुँचकर प्रस्तावित व्यवस्थाके विषयमे जानकारी करने छथि। आयोग कार्य समितिमे एक तिहाई महिलाके व्यवस्था नहि करयवला दलके दर्ता खारेज धरिके कार्यवाहीके व्यवस्था करय लागल तैयारी कऽ रहल जानकारी देलक अछि। आयोग राजनीतिक दल सम्बन्धी एन संशोधनके लेल मस्यौदा तैयार कऽ चुकल जनौने अछि। ओ मस्यौदा एखन सरकारवाला बीच छलफलके क्रममे राखल गेल, यादव बतौलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेल नेपाल वायु सेवा निगमके व्यवस्थापनसँ विमानके सेवा विषयमे दू किसिमके प्रतिवेदन दऽ कऽ स्वयंके गुमराहमे रखने उपराग सुनौने अछि। पर्यटन मन्त्री पोखरेल रवि दिन व्यवस्थापिका संसदके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिके विचारमे पहुँचकर निगमके महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारके समक्ष निगम दू किसिमके प्रतिवेदन देलाके कारण स्वयं बहुत दिक्कतमे पड़ल बतौलनि। ओ निगमके विमान कतेक यात्रु बोकि रहल अछि के विषयमे स्वयं सही सूचना पाब नहि सकल सेहो बतौलनि। ओ निगमके व्यवस्थापन उपर चीनसँ जहाज लाबके सम्बन्धमे चीन सङ्गेके कूटनीतिक सम्बन्धके असर पारके काम कयल जा रहल आरोप समेत लगौने छल। बैसारमे नेपाल वायु सेवा निगमके महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार विमान उद्योगमे हस्तक्षेप कऽ कऽ व्यापार बढ़ाबक लेल निगम नया जहाज खरीद करके विकल्प नहि रहल सुनौने छलनि। ग्यास उद्योगी सब सरकार गैस के बुलेट रीरूट कऽ कऽ लाओल सबके ढुआनी खर्च आ विलम्ब शुल्क नहि तिरलक तऽ गैस के आयात पूरे ठप करके चेतावनी देलक अछि। नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ रवि दिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन कऽ भारतीय नाकाबंदी के बेरमे गैस के बुलेट रीरूट कऽ कऽ लाओल गेल, करीब 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च भेल कहैत सरकार ओ रकम तत्काल उपलब्ध नहि करौलक तऽ आयात ठप करबाक चेतावनी देलक अछि। माघ बमोजिम के आयात भऽ रहल बेर में सेहो उपभोक्ता कालाबाजारी के मार सह पड़ि रहल पश्चात आलोचना खेपैत आयल उद्योगी सब कालाबाजारी के निरंतरता देबा भारतीय बुलेट के ढवानी भाड़ा के विषय नया रूप में निकाल कर आब बखेरा शुरू कलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। निलंबित सांसद संजय शाह के पक्ष में जनकपुर में बृहद प्रदर्शन, सत्य तथ्य न्यायिक छानबीन के कयल गेल मांग। नेपालक लेल भारतीय राजदूत रे आ जनकपुर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलक अध्यक्ष सब बीच मधेशक विषय में भेंटवार्ता। प्रधानमंत्री केपी ओली के राजीनामा के मांग करैत नेपाली कांग्रेस के भातृ संस्था सब द्वारा काठमांडू में बृहद प्रदर्शन। कालाबाजारी आ मधेश मुद्दा में सरकार नालायक साबित भ गेल कहैत नया शक्ति नेपाल द्वारा सेहो धरना कार्यक्रम। आ नेपाल सद्भावना पार्टीक संघीय अधिवेशन जनकपुर में सम्पन्न, अनिल झा फेर से अध्यक्ष में चयन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे, पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।